अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अली और आई एम एडमिन ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद मैंने कोई वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस हवाले से जो है वो मैंने कहा आपको लेट वीडियो बनाऊँ। आज की वीडियो का मकसद जो है, आजकल आपको पता है इतनी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इतनी महंगाई हुई हुई है, हर बंदा परेशान है, परेशान हाल है कि क्या करें क्या ना करें। मैंने पहले भी अपडेट ये किया था कि अगर आप लोग किसी की भी मदद किसी भी सूरत में कर सकते हैं, यानी इनफैक्ट किसी को पानी भी एक गिलास आप पिला सकते हैं तो आप वो पिलाएँ, और जो भी हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें। मैंने अपना फेसबुक पेज और ग्रुप पेज ग्रुप जो है वो फेसबुक पे, और जितनी भी हेल्प मैं करता हूँ स्टूडेंट की, वो तकरीबन मैंने 2014 में स्टार्ट किया था। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि स्टूडेंट तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि आपको पता है आप जब कभी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वहाँ कोई हेल्प नहीं करता या आपको अपनी रिस्पेक्ट का आंसर नहीं मिलता। तो काफ़ी स्टूडेंट ने शिकायत भी की थी और मैंने ये महसूस भी किया था कि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम स्टूडेंट को उनके मुताबिक आंसर दे सकूं। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि मैं मुझे लोग मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, वो भी मैं बिज़ी की वजह से। इसलिए मैंने अपना YouTube चैनल बनाया ताकि आप लोग मुझे YouTube पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी जो भी वीडियोस हैं मैं यहाँ अपलोड कर दूँ। क्योंकि देखिए, मैं अगर WhatsApp स्टेटस पे कोई चीज़ अपलोड करूँगा तो 24 आवर्स के बाद वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह Facebook पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, बट ये है कि YouTube पे एक वीडियो 10 साल 15 साल 20 साल तक रहेगी, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो मेरा चैनल है कराची यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के नाम से फेसबुक ग्रुप पे, उसमें यही है कि तमाम इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी। पहले करता था बीए, बीएससी, बीकॉम, मास्टर के, अब जो डिग्री जब से चेंज हुई है एसोसिएट डिग्री है उस, तो उसके मुताबिक भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और हेल्प करता हूँ। उसके अलावा मैं 9 मैट्रिक इंटर के पेपर भी बनाता हूँ और स्टूडेंट को शेयर करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 9 मैट्रिक इंटर फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए, एडीए वगैरह के पेपर ऑलरेडी बने हुए हैं और मैं आप लोग को शेयर कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट ने मेरे गैस पेपर लिए हैं वो मेरे चैनल को रिव्यू भी कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो पूरी डाली हुई है, आप वो रिव्यू करके देख भी सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरा पेपर आया। इसी तरह बीए वालों के तकरीबन अब एंड पे आ गए, आज भी एक सोशोलॉजी पार्ट टू का पेपर हो, उसमें भी आप खुद देख सकते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चन मेरे पेपर से आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 करने हैं आप लोग को, और इतनी चॉइस होती है कि अगर आप मेरा पेपर रिव्यू कर लें, ठीक है 15 सवाल 16 सवाल होंगे, आप पेपर में तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मैं 15 क्वेश्चन भी ना दूं तो फिर तो ज़्यादती होगी, 10 क्वेश्चन तो नहीं दे सकता ना एग्जैक्ट, ठीक है। तो वीडियो बनाने का बस मकसद यही होता है कि आप लोग जो है वो एक पेज पे आ जाएं और जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको रिव्यू करें, पढ़ें, चीज़ें देखें। क्योंकि देखें, कभी कभार इंसान ये होता है कि कोशिश करता है कि लोगों के काम आए, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं वो कि आप ऐसा नहीं करें। तो मैं कोशिश करता हूँ तमाम स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ। देखें, जितने भी मेरे पास कांटेक्ट होते हैं कोशिश करता हूँ मैं उनको सबको शेयर कर दूँ, और जितने स्टूडेंट को आप जानते हैं, जाहिर सी बात है आप एक स्टूडेंट हैं, मैं किसी एक्स वाई जेड किसी कॉलेज के स्टूडेंट को जानता हूँ, अब वो स्टूडेंट कॉलेज के बाकी स्टूडेंट 100 स्टूडेंट को, तो मेरा वो चैनल को लाइक करें और उनको फॉरवर्ड कर दें या मेरा गेस्ट पेपर फॉरवर्ड कर दें, तो उससे सबकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आजकल हर बंदा इतनी इन्फ्लेमेशन का शिकार है। अब देखें, आप देख लें, कल गवर्नमेंट ने 15 रुपये पेट्रोल पे भी बढ़ा दिए, अब 250 रुपीज़ का पेट्रोल हो गया। उसके साथ साथ बस के किराए, बस का रेंट, चिंचियों का रेंट,
बाइक की फ्यूल कंजम्पशन, कार की फ्यूल कंजम्पशन इतनी महंगी हो गई कि जो आम बंदा है उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसे लोगों को भी ये कहूँगा कि जो अल्लाह ताला ने जिनको इस्तेआत दी है, कोशिश करें कि वो आप मदद करें, ठीक है, और जो जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो लोगों की करें ताकि उससे जो है वो लोगों सर्वाइव कर सकें। अच्छा, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है मेरा, बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी थी और बहुत सारी चीज़ें मैं शायद लंबी भी हो जाए लेकिन एक जनरल मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करके कुछ पेपर्स भी अपडेट करूँगा। देखिए, मेरे पास 2-3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो बेसिकली एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में, चाहे वो ADC हो, ADC फॉर एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स यानी कि कॉमर्स प्रोग्राम, ADA BA प्रोग्राम और ADP जो है वो आपके पास BSc प्रोग्राम। देखें, जो बेसिकली ADA है या ADP है या ADC है वो बेसिकली 4-year प्रोग्राम है। 2 साल आप जो है वो कॉलेज से आप करोगे या प्राइवेट से करोगे, ठीक है, और 2 साल मज़ीद आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पढ़ोगे, ठीक है। अब आपको स्टडी करना है, 4 साल की डिग्री हुई भी है क्योंकि HSC ने मास्टर के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं 2 साल का। अब उसकी वजह से 4 साल का आपका बैचलर हो गया, 2 साल आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से या फिर आप जो है वो कॉलेज से पढ़ोगे और 2 साल फिर मज़ीद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आप रेगुलर में एडमिशन लोगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगे। जो भी आपका आपने जो सब्जेक्ट लिया वो मैं आपको बता दूंगा कि जो भी सब्जेक्ट लिया पहले इस बात को समझ लें। अब जो बेसिकली ADC है वो बेसिकली कॉमर्स है, तो मैं ऑलरेडी BCom के पेपर डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, आप मेरी वही वीडियो उठाएं, उसको देखें, उसको रिव्यू करें कि देखिए कोर्स सेम है, जब कोर्स सेम हो, सब्जेक्ट सेम हो तो क्वेश्चन भी सेम ही आएंगे। थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस हो सकता है बट यह कोशिश करें, उसको रिव्यू करें। इसी तरह ADP जो BA है वो BA को करें और जो BSc के पेपर हो रहे हैं वो बाकी स्टूडेंट करें। पहली तो बात यह हो गई। गैस पेपर मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिए, अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप लोग रिव्यू कर लें। हाँ, किसी को नज़र में आने का मसला, मुझे पता है कि नज़र में आने का मसला, तो मैं कोशिश करूँगा कल BSc के टोटल अच्छे साफ राइटिंग में अपडेट कर दूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। इसी तरह मास्टर के भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम पेपर अपडेट कर दूँ क्योंकि मास्टर के भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गए और मास्टर के भी पेपर जो हैं वो अगस्त जो हैं वो तक एक्सपेक्टेड है। अच्छा, जो ADP है या ADC है उनके जुलाई के मिड टू एंड होंगे। पहले हो सकता है ADC स्टार्ट हो जाए, फिर ADP या ADA वगैरह स्टार्ट हो जाए और फिर BSc हो जाए, और मास्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया अगस्त तक आ सकता है। अच्छा, अब आपको पता है, देखिए माशाल्लाह से मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए और चीज़ें करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता होता है पेपर क्या आने वाला, पेपर क्या एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड ही पता होता है, पेपर तो नहीं पता होता कि क्या आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरा पेपर उठा के देखेंगे 100% लगता है, ठीक है। बस ये अल्लाह ताला की इताअत है, उनकी मर्ज़ी है, उनके मतलब अगर वो साथ नहीं है तो कुछ भी साथ नहीं होता। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और आप लोग की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इतना अच्छा पेपर दे देता है। और जो भी स्टूडेंट मेरे गेस्ट पेपर लेते हैं उनको चाहिए कि वो दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं तो इतने स्टूडेंट को नहीं जानता, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचे। तो आप लोग मेरे गेस्ट पर लेते हो तो आप लोग 10 लोगों को फॉरवर्ड करो ताकि अच्छी बात है कि सत के जा रही है। तो बेसिकली देखिए, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ 9 क्लास से लेकर मास्टर लेवल तक, 9 मैट्रिक इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पढ़ाता हूँ BSc वगैरह। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पढ़ना हो, चाहे वो नाज़ाबाद में रहता हो, नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता हो, हैदरी में रहता हो, नाज़ाबाद के करीब रहता हो, तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं उसको पढ़ाऊँगा, टीचिंग करूँगा, जो भी कर सकता, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी मैं मास्टर के हवाले से बता दिया अगस्त में पेपर हैं, और जो गेस्ट पेपर हैं वो कोशिश करके कल वगैरह मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ताकि आप लोग रिव्यू कर लीजिए, और लंबी वीडियो मैं उसकी बनाऊंगा 20-25 मिनट की ताकि हर पेपर आपको नज़र आए जूम करके कि क्या है। अच्छा, सोशल वर्क का मैं ऑलरेडी पेपर डाल चुका हूँ, जिनको चाहिए वो सोशल वर्क का पेपर देख सकते हैं कल की वीडियो में।
अच्छा, BSc और BA के हवाले से देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100% पेपर आए BSc और BA में, तो कोशिश यही करें कि आप लोग ADA वाले या ADP या ADC वाले कोशिश करें मेरे पेपर आप रिव्यू करें, उसको देखें ताकि आपको आसानी रहे और पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो। इसी तरह मास्टर वाले भी मेरे पेपर देखें, तो अल्लाह ताला करे पेपर अच्छा हो। अच्छा, आज का जो पेपर आया था, क्या नाम है, सोशियोलॉजी का, वो आप देख सकते हो। उसमें जो है वो 100% मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सोशियोलॉजी का पेपर बना। इस्लामियत जो है वो फर्स्ट ईयर का पेपर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100% वो भी आया। तो कोशिश करें बस मेरे पेपर रिव्यू करें, भले आप किसी भी टीचर से तैयारी करें, लेकिन कोशिश करें इंडियन मेरे पेपर रिव्यू करें। चलें बस, ये मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, टाइम भी हो रहा है, और आप लोग को भी खुदाफिस कहता हूँ के इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी से हमकनार करे, और कल का जो पेपर है स्टूडेंट का इंग्लिश एडवांस उनको कामयाबी करे, और जो जो पेपर है उनको कामयाबी अता करे। फिर इंशाल्लाह कल बात होती है आपसे। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर दें, और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ देखने को मिल सके, और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिए ताकि मैं दुआ करूँ। लास्ट में मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखें जो भी मैं गैस पे बना रहा हूँ, जो भी जो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता। तो अगर कोई मेरे नाम से मैं गैस पेपर के हवाले से आपको बोले पैसे का, तो आप उसको मना कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा और मेरा नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। जिसको मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करना है वो मैसेज करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग यूट्यूब पे के ज़रिए मुझसे कॉन्टेक्ट करें, ताकि आप लोग को भी आसानी हो। ठीक है, इसके साथ, इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकनार करे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।